बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ आपको। कई लोगों ने मुझसे बोला कि आमिर भाई आप नेक की एक्सरसाइज के ऊपर आप कुछ वीडियो बनाएं, तो अभी मुझे एक्सरसाइज करते में ध्यान आया। तो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, जब मैंने कई लोगों को देखा है एक्सरसाइज जब नेक की करते हैं वो या शोल्डर की करते हैं तो इस तरह से लगाती हैं कुछ ऐसे। तो जब ये सेट इस तरह से लगाते हैं तो ये आपको मैं समझाना ये चाह रहा था कि जब हम ये सेट लगाते हैं ना तो यहाँ पर आते आते शोल्डर कि जो ग्रेविटी होती है जो डंबल्स की होती है ना वो जीरो हो जाती है, यहाँ जीरो 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 यहाँ पे डेथ हो जाती है पूरी। फिर तो ग्रेविटी जो है वो डेथ हो जाएगी यहाँ पर, और दूसरी चीज़ों पर जो लोड होगा वो पड़ेगा नहीं। तो जो बिगनर्स है ना उनके लिए मैं सबसे अच्छी चीज़ रखता हूँ इस पार्ट के लिए, ये जो आपने पार्ट देखा होगा अक्सर एक चौड़ा दिखता है जो, तो उसके लिए बिगनर्स के लिए एक्सरसाइज है जिन्होंने जिम रिसेंटली ज्वाइन करा है उनके लिए है कि आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये फ्लाइंग एक तरह उल्टा है। जब आप ये वाले डंबल्स आप जब लगाएंगे तो ये आपको फिर आदत हो जाएगी धीरे धीरे, स्टार्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए होता है। दूसरी चीज़ है जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, जब प्रोफेशनल आप एक्सरसाइज करने लगते हैं तो आप थोड़ा सा फनी है ये चीज़ कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपके हाथ नहीं है और आपको यहीं से सिर्फ इतनी एक्सरसाइज से ही आपको सेट लगाना ऐसे। आपने अक्सर देखा होगा जो मशीन्स होती हैं कई जगहों पर इसको आपको ऊपर लेना होता है, तो सेम चीज़ है अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपको ये जो है एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करके आपको लगाना है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना सिर्फ आपको यहीं से, तो ये जो है इसको यहाँ तक नहीं लेके आना, सिर्फ आपको ये करना है ये आप ये देखते हैं ये। तो ये जो पोर्शन है ना ये आपका चौड़ा हो जाएगा। तो अक्सर ये होता है मुझसे कई लोगों ने बोला था, तो बस आज इतना ही बताया था, बाकी सिनेमेटिक साथ देख लीजिए। दोस्तों एक बात और बताना थी आपको कि जो हल्के डंबल्स को मैं आपको दिखा रहा था तो उसकी रीज़न ये था कि लास्ट जो आपने मेरा वीडियो देखा था जो ये शोल्डर पेन वाली बात थी, तो इसलिए मैं हल्के वेट एक्सरसाइज कर रहा हूँ काफ़ी दिन बाद, जो मेरे सीनियर हैं उनके सजेशन के बाद मैं जिम आया हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैं एक्सरसाइज मैंने अपने स्टार्ट किया। तो बस कहानी यही है कि कम वेट से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, हैवी वेट नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैं आपको हल्के वेट से बता रहा था एक्सरसाइज करके। दुआ करें कि मेरा शोल्डर जो है वो जल्दी से सही हो जाए, जो मसल्स मेरा डैमेज हुआ है वो सही हो जाए, मैं वापस अपना रूटीन एक्सरसाइज पर जाऊँ, जो सिंपल हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम आ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। सिनेमेटिक्स में दिखा देती हूँ, एक्सरसाइज करें हल्की फिर बाय।